महबूब, हेलो या कमॉन कमॉन, जितने भी लोग हैं सारे फटाफट लाइव में ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि इसके बाद इंटरव्यू शुरू होने वाला है। साहिल, साहिल खारवा खावरा, आई एम सॉरी इफ आई एम रीडिंग इट रॉन्ग। हाय, सो गाइज, आज मैं लाइव करने वाली हूँ लीजा मलिक के साथ, जो कि एक पॉपुलर टेलीविजन एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, जिनका बहुत जल्द ऑल्ट बालाजी पर एक वेब सीरीज आने वाला है। और जैसे ही लीजा हमें ज्वाइन करेंगी, वैसे ही हम इंटरव्यू जो है वो शुरू कर देंगे। और आप लोग मुझे बताइए, जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं, आई होप और ज़्यादा लोग जुड़े, आप लोग क्वारंटाइन कैसे स्पेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किस तरीके से अपना पूरा दिन व्यतीत कर रहे हैं। Want to? आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो यहाँ पर। आई होप जल्द से जल्द लीजा हमें ज्वाइन करें और उसके बाद हमारी बहुत सारी बातें शुरू हो जाएंगी। एंड आई होप कि मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है। हाई टेल्स ऑफ सागर, आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है। बट सेलिब्रिटीज़ लोगों से आप जो सवाल पूछना चाहते हो कि वो पूरा दिन क्या करते हैं, किस तरीके से अपना क्वारंटाइन स्पेंड कर रहे हैं और क्या खाना पसंद करते हैं, जो भी सवाल आपके दिमाग में आता हो वो सवाल आप पूछ सकते हैं। और महबूब जागीरदार ने मुझे हार्ट भेजा है। सो मैं लीजा का इंतज़ार कर रही हूँ जैसे ही। हाय लीजा, सो फाइनली लीजा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी हैं। और जो लोग लाइव देख रहे हैं, जो भी आपके पास सवाल है वो आप लीजा से पूछ सकते हैं और बने रहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें। हेलो, हाय, हाउ यू डूइंग? आई एम गुड, हाउ आर यू? गॉर्जियस, फैंटास्टिक, कुडंट हैव बेटर। Oops, where are you? Yeah. There you are. How are you doing? कैसा चल रहा है? How's quarantine going? सब बहुत ही अच्छा चल रहा है। And पता नहीं लोग ऐसे क्यों, but I am तो enjoying quarantine. How are you doing it? Same here. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब I couldn't have had a better time than this. I am doing everything जो normal days में करने का मौका नहीं मिलता है। अपने साथ टाइम बिताना, टाइम पे सुबह उठना, 6 बजे योगा करना, मेडिटेट करना, मतलब आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट कुकिंग, टीचिंग, पेंटिंग, सो यू नो आई एम हैविंग अ गाला टाइम। राइट, आपने कहा कुकिंग, पेंटिंग, एवरीथिंग यू आर डूइंग। कुकिंग में स्पेसिफिकली व्हाट यू आर कुकिंग द मोस्ट, जो आपको सबसे ज्यादा बनाना पसंद हो? सी, मैं ना मेरे ग्रुप में अन्नपूर्णा देवी नाम से फेमस, तो मैं हर तरह का खाना बनाती हूँ और हर तरह का कुजीन बनाना पसंद है। बट बिकॉज अभी हम राशन की राशनिंग कर रहे हैं, सो हम बहुत एक्सोटिक डिशे तो बना नहीं सकते हैं, है ना। और मैं बिल्कुल भी ओवर स्टॉकिंग बिलीव नहीं करती हूँ कि घर पे लाके फ्रिज में भर दो चीजें, बाकी लोगों को तकलीफ होती है, राशन लोगों को मिल नहीं रहा है। सो जो भी फ्रिज में अवेलेबल है, सो हर दिन मैं एक नया कंकॉक्शन बना रही हूँ। You know, dishes का कुछ नाम नहीं दे सकते, basically आप बोल सकते हो लीजा का quarantine menu. We are non-vegetarian, so we are even rationing on non-veg food. मतलब हफ्ते में एक बार, जहाँ की हम रोज खाने वाले लोग हैं, so we all are doing all these things. But मैंने आज ही इनफैक्ट सुबह बनाया था अरबी की सब्जी सूप वाली और मेथी का परांठा with some दाल. मुंह में पानी आ गया। ओके, सो यहाँ पे अभी हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू भी नहीं हुई है और इतने सारे लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया है। सो लेट्स जस्ट रीड वन ऑफ देम। बीइंग संजय इज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंटिंग दैट आई लव योर हेयर एंड सेकंड ऑफ ऑल ही इज आस्किंग योर फेवरेट फूड कौन सा है। यार मैं ना दिल से, दिमाग से, पैदाइशी जमीन से, हर तरह से एकदम प्योर हिंदुस्तानी हूँ। मेरा कंफर्ट फूड है दाल चावल या खिचड़ी। सो एनी टाइम आप मुझे एक तड़के वाली अच्छी सी दाल दे दो और साथ में थोड़ा सा फ्राइड आलू, ऑल्दो आई एम अ फिटनेस फ्रीक, बट थोड़ा थोड़ा भी, तो दाल चावल एंड खिचड़ी इज माय कंफर्ट फूड।
राइट right. अच्छा जैसे आपने कहा लीजा कि यू नो यू आर अ फिटनेस फ्रीक, तो इस पीरियड पर जबकि कोई घर से जी बाहर नहीं जा सकता, जिम्स अवेलेबल नहीं है, कुछ अवेलेबल नहीं है, आप अपनी फिटनेस का ध्यान कैसे रख रहे हैं? अगर आप मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज या फीड पे जाएंगे, वर्कआउट? जी, आई एम पुटिंग फिटनेस वीडियोस एवरी नाउ एंड देन, जो हम घर पे रह के अपने क्लोज सर्किट के अंदर कर सकते हैं. बहुत सारी चीजें हैं घर में. खैर मेरे पास तो डंबल्स है, रेजिस्टेंट बैंड है, बट जिनके पास नहीं है वो घर पे जो भी चीजें हैं उससे आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो. आप बेसिकली इट्स ऑल अबाउट स्टेइंग हेल्दी एंड पॉजिटिव एंड फिट. आप अगर किसी भी तरह का एक्सरसाइज करोगे तो आप मेंटली पॉजिटिव रहोगे, और इस दौरान हमें मेंटली स्टेबल एंड पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है. कुछ नहीं तो हमारी बिल्डिंग में सीढ़ियां हैं, आप सीढ़ियां आधा घंटा ऊपर नीचे करोगे. दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू. और जितनी हाउस वाइफ है मैं सबको ये बोलती हूँ कि आप पोछा लगाइए. आजकल क्या है ना, गैजेट्स आ गए, खड़े वाला हाथ से होता है. सो आई एम टेलिंग एवरीबडी कि बैठ के जो पुराने जमाने में पोछा लगाते थे, सो डू दैट. दैट इज वन वेरी गुड एक्सरसाइज एंड दैट इज रियली हेल्पफुल. सो मैं करती हूँ रोज. राइट, यू नो जब सेलिब्रिटीज ऐसा बोलते हैं कि मैं कि दाल चावल इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, बट कहीं ना कहीं जो यू नो कॉमन पब्लिक है दे एक्सपेक्ट टू लिसन इट फ्रॉम देमसेल्व्स कि हम भी दाल चावल खाते हैं, तो वो सुनने में भी बड़ा पता नहीं फैंटेसी वाला लगता है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जब सेलिब्रिटीज बोलते हैं यार मैं दाल चावल खाती हूँ, मैं खिचड़ी खाती हूँ. बट टॉकिंग अबाउट, चलो ठीक है, खाने की बात होगी, क्वारंटाइन की बात है, हम और भी बहुत सारी करेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज मेरे दिमाग में है वो है आपका कोलैबोरेशन विद ऑल्ट बालाजी. आर यू एक्साइटेड अबाउट इट? वेरी वेरी एक्साइटेड. इनफैक्ट ऑल्ट के साथ ही मेरा सेकंड शो था, फिक्सर वाज ट्रेंडिंग, जो मैंने शब्बीर आलूवालिया के साथ किया था, सो दैट वाज द नंबर वन शो ऑफ दैट मंथ. और ये भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और लोग मुझे मैसेज कर करके परेशान तो नहीं, उनका प्यार है सेकेंड सीजन कब आएगा. मैं खुद वेट कर रही हूँ कि सेकेंड सीजन कब आएगा. और मैंने पहली बार ऐसा कोई किरदार निभाया है जहाँ पे मेरे को वेट पुट ऑन करना पड़ा किरदार के लिए, बिकॉज आई प्लेड अ पंजाबी हाउस वाइफ, अपने एज से बड़े एज की एक लेडी का किरदार निभाया. आई एम एन एक्टर. पहले मुझे बहुत हिच था कि यार लीजा को आज तक लोगों ने ग्लैमर अवतार में देखा है, रॉक स्टार अवतार में देखा है. So me playing a mother of two and me playing a lady who's 35 years, 35, 45 ki bracket mein, 40 ki bracket mein, will it be okay for my career? Then I realized that aaj ki tarikh mein the industry has changed a lot. It's actors world, it's not stars world anymore. Aise kya character interesting hai, play karne ko bahut hai, weight put on karegi, cute lagegi, waise hi chuppi babbi badmash hai. So might as well do it. So mujhe to bada pasand hai. And I'm looking forward for more projects with Ekta and all. राइट right. और जहां तक मैंने इस न्यू सीरीज के बारे में सुना है, यानी कि भाई हमारा सख्त लौंडा, तो द नहीं, उसका नाम चेंज हो गया है, हूज योर डैडी. पहले था भाई हमारा सख्त लौंडा, हूज योर डैडी, हूज योर डैडी, वी चेंज द नेम एंड दैट्स हाउ इट केम आउट. बट इट्स वेरी यू नो इट्स वेरी स्पाइसी, वेरी क्वर्की, दिस काइंड ऑफ अ नेम यू नो ऑडियंस को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा. वुड यू लाइक टू शेयर एनीथिंग की शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा था, ऑडियंस को क्या अट्रैक्ट करेगा इस वेब सीरीज की तरफ? See, जो स्टारकास्ट है ना, ensemble स्टारकास्ट इज वेरी गुड. राहुल देव है, राहुल देव के साथ मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है, हमने एक पिक्चर साथ में की है टोलबाज, जिसमें संजय दत्त सर भी है, जो रिलीज होने को है. हर्ष बेनीवाल हु इज अ यूट्यूबर. सो बेसिकली जो शो में शो का जो स्टोरी है वो 2002 का दिल्ली और 2022 का दिल्ली, तो पूरा स्टोरी फ्लैशबैक पे चलता है. फ्लैशबैक में दिल्ली दिखाने चाहेंगे, दिल्ली की गलियां सरोजिनी नगर बहुत अलग थी, अब मॉडर्न हो गई है. डू जस्टिस विद द विजुअल, वी वेंट इन शॉट इन जलंधर, जलंधर की गलियों में शूट किया, एकदम बैक ऑफ द बियॉन्ड जो होते हैं ना, वहां जाके शूट किया, सो दैट वी कैन गिव द फील ऑफ 1990-2000. और दो तीन शेड्स आए हैं मेरे कैरेक्टर में, मेरे को यंग दिखाया है उन्होंने, फिर मुझे वो ओल्ड दिखाएंगे, बिकॉज 70 साल की भी दिखाएंगे मुझे. इसी तरह सारे कैरेक्टर्स के साथ ऐसा है, लव स्टोरी चल रहा है, पैरेलल शो की लाइफ चल रही है, थोड़ा सा यू नो रोमांस है, गाने हैं, बहुत मजा आएगा देख के, बिकॉज इट्स फन. राइट, जैसे आपने तोरबाज के बारे में बात की, यू नो तो संजय दत्त सर के साथ आपने काम किया है, कैसा एक्सपीरियंस था, तोरबाज के बारे में बात करना चाहेंगे?
ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर तो खैर है ही इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर कम अक्रॉस विथ हिम अराउंड यू ऑलवेज फील सेफ सिक्योर So there was a time when I was the only girl left in the outdoor schedule and we were there for good 1 month. We were shooting in Kyrgyzstan. He was so concerned that pack up ke baad I should be safe. Agar hum log sab party karne bhi bahar ja rahe hain, so I should be dropped first because I was the only girl. Because he has a daughter who's grown up and he knows that. So he is, I think, maybe he's man of few words, but he's very vigilant what happens around him. और लोगों का ध्यान रखना, लोगों को साथ में बिठा के एक दस्तरखान में खाना खिलाना, आई थिंक आई आई एम ओवरवेल्म टॉकिंग अबाउट हिम, ही इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन राइट. अच्छा, जितने भी आपने अभी तक यू नो प्रोजेक्ट्स किए हैं, व्हाट इज द वन थिंग दैट अट्रैक्ट्स यू टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट? जब भी आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ती है, आपके पास आती है, सो व्हाट इज द वन थिंग जो आपको लगता है कि आई शुड गो फॉर दिस थिंग? या फिर पैसा बहुत अच्छा हो, या पैसा ना भी दे, रोल बहुत अच्छा. देर आर देर आर टू वे आई वर्क. आइदर आई एम गेटिंग हेवीली पेड फॉर अ प्रोजेक्ट, ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, हम सब यहाँ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, पैसे कमाने. या दूसरी चीज व्हिच ऑलवेज इंट्रिग्स एंड अट्रैक्ट्स मी इज द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग. विल आई बी एबल टू डू जस्टिस टू द कैरेक्टर, और आफ्टर मी प्लेइंग द कैरेक्टर विल द ऑडियंस कनेक्ट विद द कैरेक्टर? यू नो, मुझे करके मजा आएगा कि नहीं, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. और दूसरी चीज, मैं हमेशा वो प्रोजेक्ट पिक करती हूँ जो किरदार निभाने के बाद मैं मेरे घर पे बैठ के मॉम, नाना, नानी, भाई बहन के साथ देख सकूं. इसीलिए शायद आप मुझे बहुत ओल्ड कंटेंट में कभी नहीं देखो. हालांकि बोलते हैं नेवर से नेवर, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आया तो आई डोंट नो, बट अभी तक जितना हो सकता है अवॉइडिंग. सो आई ऑलवेज फाइंड रिलेट विद द कैरेक्टर और द मनी एंड देन आई पिक अप द सब्जेक्ट. यस, और ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सरवाइव करने के लिए, एक एक्टर को भी या किसी को भी. बट अगर वेब सीरीज की बात होगी, अगर मैं बात करूँ, यू नो, जिस तरीके से आजकल काफी एक्टर्स आर्टिस्ट ये बोलते हैं कि दिस इज द एक्चुअल टाइम फॉर द आर्टिस्ट, फॉर आर्टिस्ट और एनी काइंड ऑफ परफॉर्मर, यू नो, टू बूम, बिकॉज यू हैव सेवरल प्लेटफॉर्म्स, बीट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सिनेमा और टेलीविजन, एवरीथिंग इज जस्ट एट इट्स पीक. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? डेफिनेटली, आज आप देखो कितने एक्टर्स है बॉम्बे में, छोटे छोटे शहर से रोज आ रहे हैं. बहुत मेरे सीनियर एक्टर्स है जो जॉबलेस घर पे है, बिकॉज पहले प्लेटफॉर्म नहीं था इतना. आफ्टर दिस ओटीटी प्लेटफॉर्म हैज कम अप, ऑल दीज चैनल्स हैव कम अप, लोग बेरोजगार नहीं है, चाहे वो स्पॉट दादा हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे कंपोजर हो, डायरेक्टर हो, असिस्टेंट डायरेक्टर हो, कैमरामैन हो, एवरीबॉडी हैज वर्क. सो ऑफकोर्स इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस, फॉर एवरीबॉडी. हर लेवल के एक्टर के लिए काम, जिसका जो क्राफ्ट है उस हिसाब से काम. राइट. अच्छा, जैसे आपने यू नो वेब सीरीज, हे अवी, अ फ्रेंड ऑफ माइन हैज जॉइंड, अवी मित्तल, हाय अवी, हाउ आर यू डूइंग, होप द चिकन लॉलीपॉप केम आउट वेल. सो आई जस्ट टोल्ड हिम अ रेसिपी ऑफ चिकन लॉलीपॉप, सो दे वर ट्राइंग टू कुक फॉर इट. हां जी, बोलिए, आप कुछ बोल रहे. मैं ये कह रही थी, जैसे अभी आपने चिकन लॉलीपॉप की बात की तो मेरा ध्यान वापस खाने में चला गया. बट कमिंग टू इंटरव्यू, जैसे यू नो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे, जैसे आपने ऑलरेडी बहुत सारे वर्कआउट रूटीन सेशंस जो आप सस्ते, यू नो, सस्ता और टिकाओ, जिम्स में जाने की जरूरत है, डंबल्स वम्बल्स नहीं है तो भी सीढ़ियों का इस्तेमाल करके आप वेट लॉस कर सकते हो, ये कर सकते हो. आर यू ऑल्सो वर्ड अबाउट दिस थिंग कि अगर मैं बहुत ज्यादा खाऊंगी तो कहीं ना कहीं मेरी स्किन पर इस चीज का इफेक्ट आएगा? क्योंकि मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज से जब बात की, दे लाइक कि हम खा तो रहे हैं बट लॉकडाउन खत्म होने के बाद अगर ये सब स्किन पर निकल के आया तो इस चीज की प्रॉब्लम हो जाएगी. सो हाउ आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन? मैं, आपने रुचिता दिवाकर का नाम सुना होगा, शी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड योगा प्रैक्टिस भी करती हूँ. मैं उनको फॉलो करती हूँ स्ट्रिक्टली. ये ब्राउन राइस खाना, ये किनवा खाना, ये एवोकाडो खाना, हमारे परदादाओं ने कभी खाया था? वी आर बोर्न इन दिस सॉइल, यू नो, हमारा जो इंडियन सॉइल में चीजें ग्रो होती है वो पचने में हमें आसानी होती है. वी गो द वेस्टर्न वे, इट्स नॉट गोना हेल्प अस. बहुत सारे लोग बहुत आयुर्वेदिक सेंटर्स में जाते हैं वेट रिड्यूस करने के लिए, 20 दिन जाके वहाँ डिटॉक्स करके आएंगे, फिर वापस आके वही खाना खाएंगे एंड देन अगेन दिल फूट. सो आई ऑलवेज हैव बिलीव दैट आप वो लाइफस्टाइल मेंटेन रखो जो आप जिंदगी भर मेंटेन कर पाओ. सो माई फूड हैबिट्स हैव ऑलवेज बीन वेरी क्लीन एंड वेरी नीट. इवन इफ आई एम ईटिंग होम कुक फूड, That's the best thing to do. घर का खाना is the best. Of course,
मसाला कम, ऑयल कम, ये छोटी छोटी चीजें जो है हमें ध्यान रखना चाहिए. और यू आर अलाउड टू गो ऑन अ बिंज एंड फीस्ट. आप हफ्ते में 2 दिन बिंज करो ना, आपको जो करना है. बट आप नॉर्मल एक थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा दही, आप इस तरह की रूटीन मेंटेन करोगे जो कि घर का खाना है, आप लाइफ में पुट ऑन नहीं करोगे. आप लाइफ में आपके स्किन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. यू सी माय स्किन, टच वुड, आई मीन आई डोंट वांट टू ब्रैग अबाउट इट, मैं कोई केमिकल प्रोडक्ट नहीं, बट टच वुड यू हैव अ वेरी गुड, आई डोंट यूज केमिकल प्रोडक्ट. मुझे अगर कभी बहुत मन करता है टू डू समथिंग, आई यूज मुल्तानी मिट्टी, I use aloe vera gel, and that too which I grow in my balcony. You know, आप अपनी lifestyle को clean और healthy करो, तो कुछ नहीं फर्क पड़ता lockdown में हो कि आप pizza hut जाके खाना खा रहे हो. एक दिन allowed है, वो एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है. But overall, the graph has to go like that. राइट. ये जेन्युइनली मुझे ना पहली बार मैंने किसी को ऐसा बोलते थे ना, यूजुअली हम जब भी फिटनेस की बात करते थे एवरीवन सेज ईट बॉइल्ड फूड, अवॉइड शुगर एंड अवॉइड एवरीथिंग, इट्स बेटर नॉट टू लिव अगर सब कुछ अवॉइड करना है. देयर आर सेलेक्टिव्स, तो लाइफ में ना, लाइफ में ना हर चीज का बैलेंस होना जरूरी है. बैलेंस, आप पानी भी ज्यादा पी लोगे ना तो वाटर रिटेंशन हो जाएगा, आप ओवर स्लीप कर लोगे आप टूट जाएगी. सो एवरीथिंग हैज टू गो हैंड इन हैंड, बैलेंस. आप खाना खा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप भर भर के तेल डाल रहे हो, मसाला डाल रहे हो. एग्जैक्टली, बैलेंस. हमारा इंटेस्टाइन इतना, अगर हम इतना भरेंगे तो कैसे हजम करेगा बेचारा. एग्जैक्टली. प्रोपोर्शनेट मील्स लो, दिन में 5 बार खाओ, थोड़ा थोड़ा, कभी वेट पुट ऑन नहीं करो. राइट. अच्छा, अगर मैं बात करूँ, यू नो लॉकडाउन के फेज में कुकिंग तो आप कर ही रही हैं और भी बहुत सारी चीजें, सिंगिंग कैसी चल रही है आपकी? ऑनेस्टली बोलू, मैं रियाज नहीं कर पा रही, बिकॉज घर पे बैठे हैं और 10 तरह के दूसरे काम कर रहे हैं. और आई हैव पॉइंट माई थ्रोट फ्रॉम लास्ट 1 मंथ. और मैं कॉन्सर्ट के लिए गई थी एंड ऑलरेडी आई हैड बैक थ्रोट एंड आई ओवरस्ट्रेन्ड इट. तो रियाज करने का मुझे मौका संभव नहीं रहा है, लेकिन गुनगुनाती रहती हूँ. ऑब्वियसली मैं फनी फनी डांस वीडियो बना रही हूँ, कुकिंग, पेंटिंग कर रही हूँ. आई जस्ट पेंटेड समथिंग ऑन अ कैनवस. सो सिंगिंग या चल रहा है, बट सिंगिंग ने थोड़ा अभी व्हाट यू कॉल सबैटिकल लिया हुआ है. बाकी चीजें प्रायोरिटाइज कर रही हूँ मैं, जो चीज नॉर्मल डेज में नहीं करती. जी अच्छा, मैंने भी स्टिचिंग शुरू की है. स्टिचिंग, जो आप नॉर्मल डेज में नहीं कर सकते थे वो इस टाइम पे आप सब कुछ कर रही हैं. बट यू नो, ये मैं पर्सनली भी पूछना चाहती थी, सिंगर, परफॉर्मर, एक्टर, व्हाट इज एक्चुअली लीजा? मतलब एक्टर, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम बनना एक्टर चाहते हैं बट बाद में पता चलता है कि हाँ सिंगिंग भी अच्छी करते हैं, या बनना सिंगर चाहते हैं लेकिन बाद में पता चलता है चलो एक्टिंग भी अच्छी करते हैं. बट व्हाट इज प्रायोरिटी फॉर यू एट दिस मोमेंट? मी, I'm an entertainer. Anything that I can entertain my audience, I can entertain my friends, I will do that. Anything related to entertainment, I am on for it. And having said that, I was born in a Bengali family. So Bengali families में बचपन में सबसे पहले क्या होता है, आपको हारमोनियम दिया जाता है और पेन पेपर दिया जाता है पढ़ाई के लिए. सो कल्चर तो हमेशा से रहा है, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड education has always been the priority in the family. So jaise jaise main badi hoti gayi, jo rujhav meri acting ki taraf thi, theater mein tha, wo thoda thoda develop hota gaya. Gunguna mein bachpan se thoda bahut leti thi. So I wanted to explore everything which curtails into entertainment, which makes me a complete entertainer. Jab aap mujhe stage mein dekhoge, obviously I'm a rock star. I'm known as Indian Beyonce. I jump, I bloody, go on a table, I land up on a speaker. That's a different Lisa. When I am acting, I wo kirdaar nibha rahi hu. That's a different Lisa. When I'm singing, although I'm not a great singer, I manage to sing. Main bolti hu, main performer. But still, I'm trying to do it. So basically, I want to entertain my audience in any form. So basically, you're an artist. I'm an artist. जो सब कुछ कर सकता है, करने की कोशिश करता है, करने की कोशिश. जी अच्छा, करने की कोशिश के अलावा इस वक्त ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप देखती, क्योंकि हम लोग तो रामायण देख रहे हैं इस वक्त, रामायण बहुत चर्चित शो बना हुआ है. एवरीवन इज, डीडी नेशनल इज अगेन लाइक इट हैज रिवाइव्ड और समथिंग लाइक दैट. रामायण से लेकर महाभारत, ऑल द यू नो पुराने शोज, वी आर इवन बिंज वॉचिंग. सो आर यू ऑल्सो डूइंग दैट?
मैंने रामायण तो अभी तक नहीं देखा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बट मैं ये पढ़ रही हूँ बहुत दिनों से. या सो मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, सो अभी मेरे पास टाइम है तो मैं काफी दिनों से ये पढ़ रही हूँ. और मैं अभी फिलहाल मैंने एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज खत्म किया है कॉल्ड शी. अमेजिंग सीरीज, मस्ट वॉच. एंड आई जस्ट स्टार्टेड प्रोमो शॉट सीजन टू. ऑब्वियसली मैंने मेरा हुज़ी और डैडी को देखा ही होगा. और मैं ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देख रही हूँ, गुरुदत्त साहब की पिक्चर, मीना कुमारी मैम की पिक्चर. मैंने उस दिन खूबसूरत देखी रेखा मैम की पिक्चर, गोलमाल पुरानी वाली. सो आई एम वॉचिंग ऑल ओल्ड फिल्म. कभी कभी बीच में जस्ट फॉर अ चेंज आई एम वॉचिंग ऑल दीज न्यू फ्लिक्स, बट आई एम ऑन अ बिंज फॉर ओल्ड फिल्म्स. राइट, सो व्हाट इज योर फेवरेट जॉनर व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स और वेब सीरीज और एनीथिंग? व्हाट इज योर फेवरेट जॉनर? यू नो मैं ना बहुत ही चुलबुली सी और हसमुख सी इंसान. एनीथिंग टू डू विद सैडनेस, डिप्रेशन, मुझे ना जमता नहीं. सो आई लाइक लाइट हार्टेड एंटरटेनिंग फिल्म जहाँ बैठ के आप हंस सको. लाइफ में ऑलरेडी इतनी स्ट्रेस है यार, अब रोजमर्रा का काम, दुनियादारी में लगे हुए हैं. वी आर इन दैट रैट रेस टू बिकम नंबर वन. सो टू अनलीश एंड यू नो टेक केयर ऑफ माय दैट सो कॉल्ड बैगेज, आई लाइक टू वॉच समथिंग दैट आई कैन लाफ. So, मुझे कॉमेडी जॉनर बहुत अच्छा लगता है. इसके लिए शायद जब मेरे पास कोई कॉमेडी किरदार आता है ना, विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस, आई ऑलवेज से यस टू दैट. सो आई लाइक कॉमेडी द मोस्ट. मुझे हंसना पसंद. अगर इसके अलावा मैं बात करूँ तो इस वक्त यू नो क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो हर कोई थोड़ा बहुत अपसेट है कि यू नो आई एम मिसिंग दिस, आई एम मिसिंग दैट. व्हाट आर यू मिसिंग द मोस्ट? मैं ना उसका भी मैंने तोड़ निकाला. ऑब्वियसली मैं जिम मिस कर रही थी, तो आई स्टार्टेड वॉकिंग आउट इन द हाउस. मैं पानी पूरी बहुत मिस कर रही थी बहुत दिन से. और मैंने उसका भी तोड़ निकाला. आई एम गोना मेक इट टुमारो. वाओ, तो हमें इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा. कैसे बनाते हैं? मैं डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे डालूंगी. इंस्टाग्राम कैसे बनाते हैं? मैंने इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखा. एंड आई एम गोना मेक इट टुमारो. सबसे ज्यादा मैं मिस पानी पूरी कर रही हूँ और कुछ नहीं. अदरवाइज आई एम हैप्पी. बाय गॉड्स ग्रेस, जय माता दी. I'm blessed that I'm staying with my brother. My maids are there. My mom's house is just 5 minutes down the road. So I'm happy. I'm of course missing my stage. नहीं बोलूँगी. But क्या कर सकते? We have to be positive. We have to have patience. Because जिन countries हमसे पहले हुआ है globally, वो अभी तक recover कर रहे हैं. And it's gonna take a lot of time. They're gonna take a lot of time. So anyways, let's not talk sad. सब ठीक हो जाएगा. So positive रह के और धैर्य रख के आगे चले, सब ठीक हो जाएगा. All is well. All is well, all is well. तो जैसे मैं पूछ रही थी नो, जैसे काफी लोग ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होती है, आई एम मिसिंग पिज्जा, आई एम मिसिंग पिज्जा, सो आई नीड टू गो आउट एंड मुझे लॉकडाउन खत्म होने का वेट है क्योंकि मैं बाहर जाके खाऊंगी. व्हाट इज द वन थिंग दैट यू विल गो एंड डू आफ्टर द लॉकडाउन गेट्स ओवर? आफ्टर द लॉकडाउन गेट्स ओवर, आई एम गोना गो एंड मीट माय बेस्ट फ्रेंड हु लिव्स जस्ट 15 मिनट्स अवे फ्रॉम माय हाउस. एंड उनकी बिल्डिंग में भी स्ट्रिक्टनेस है, किसी बाहर वाले को एंट्री नहीं दे रहे अभी. और हमारे बिल्डिंग में भी. सो और दूसरी फ्रेंड मेरी रहती है बड़ौदा में. सो आई जस्ट वांट टू मीट बोथ ऑफ देम. और मुझे कुछ नहीं चाहिए, दे आर माय लाइफलाइन. आई जस्ट वांट टू होल्ड देम एंड हग देम. क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे जो सब वीडियो कॉल के जरिए. सो आर यू आल्सो कनेक्टिंग टू योर फ्रेंड्स थ्रू वीडियो कॉल? एवरीवन इज डूइंग दैट. हमारा टाइमिंग है, हम सुबह गुड मॉर्निंग करते हैं एक दूसरे को चाय के प्याले के साथ. एक बड़ौदा बैठी है, एक ओबरॉय स्प्रिंग्स बैठी है, और मैं यहाँ बैठी हूँ लोखंडवाल. एक शाम के चाय के प्याले के साथ हम लोग बातें करते हैं. और रात को डिनर के बाद फिर आधे घंटे का टाइम होता है हमारा गपशप करने का कि पूरे दिन क्या हुआ. सो वी मेक श्योर दैट थ्राइस इन अ डे वी टॉक टू ईच अदर. So of course wow. that's virtual friendship, but real touch is different. So, but we are making sure we are talking to everybody that's getting connected. आपने चाय की बात की एंड यू आर सो मच इनटू फिटनेस, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया जो आई थिंक बहुत लोगों के दिमाग में आता था. व्हेन आता है व्हेन एक्टर्स से कि हमने चाय पी है, डू दे मीन ब्लैक टी और दे आल्सो ड्रिंक दूध वाली चाय जैसा हम पीते हैं? अरे भाई, मैं तो चाय की इतनी दीवानी हूँ कि आज के तारीख में भी मैं किसका
हाई फाई ऑन दैट. मैं कहीं पे भी जाके, मतलब जहाँ वो बाकरे वाला अच्छा चाय होगा ना, अदरक वाला एकदम जाके मैं पी लूं. ऑल्दो आई एम नॉट अलाउड टू हैव मिल्क बिकॉज़ आई एम लैक्टो इनटॉलरेंट, बट अगर मेरे डॉक्टर देख रहे होंगे, आई एम सॉरी, आजकल मैं पी रही हूँ चाय. तो मेरे मेडिकल प्रॉब्लम मैंने खाली दूध चेंज कर दिया है. तो इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल दूध आई एम हैविंग आलमंड मिल्क ओनली बिकॉज आई एम एलर्जिक टू मिल्क. अदरवाइज बचपन से मैंने दबा के चाय पी है, आज भी दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू. मतलब चाय जैसा कुछ नहीं है, एक अच्छा सा अदरक वाला इलायची डाल के चाय. आई हैव दैट, मुझे बाकी सर्टिफिकेट नहीं मिलता. Because I have been grown up in a upper middle class family, तो मेरे values जो वैसे ही है. मैं कितनी बड़ी भी star हूँ, my values are right. अच्छा, आपने you know बात की कि बहुत सारे आप binge watch कर रही हैं, films देख रही हैं, कोई एक ऐसा character जो आपको देखकर ऐसा लगता हो, जैसे कोई कोई character हम देखते हैं, मैं लगता है यार मैं ये character मैं कर सकती हूँ, ऐसा मुझे करना है character, तो ऐसा कोई character है? जैसे रेखा मैम की पिक्चर खूबसूरत, that character I want to do, that's comedy again. And jinki wajah se main is industry mein aaj hoon, jinki picture dekh dekh ke badi hui hoon, Shree ma'am, Chandni, Lamha, my favorite, Mr. India. और आज की पिक्चरों में मुझे कंगना रनौत की क्वीन बहुत अच्छी लगती है. So something like that I would definitely want to do. Like some fan, I guess, commented, I missed the comment, बहुत ऊपर चला गया, I think. But someone said, share some hair care routine or something like that. That's a very weird question, but someone asked it. Share some hair care routine. So, अभी since हम लोग घर पे हैं, अगर हमारे beauty products use करते होंगे chemical और जो भी करता होगा, judging on that. But since we are in the house, so सबसे बेहतरीन चीज जो, I know it's going to be smelly. So, अनियन का जो जूस होता है, प्याज, उसको आप पीस के एंड कॉटन से पुट ऑन योर रूट, नहाने से पहले डूइंग दैट 15 मिनट आप रखे एंड देन रिंस इट विद लूक वार्म वाटर एंड देन शैम्पू इट नॉर्मली. दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं, कई बार हमारे एंड्स जो है वो बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो घर पे हमारे पास वैसलीन होगा, नारियल तेल, ऑलिव ऑयल, ये सब तो यूज करते हैं. बट मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ जो हम नॉर्मली कर सकते हैं. तो आप एलोवेरा जेल लीजिए अगर आपके पास, एलोवेरा जेल में वैसलीन मिलाइए, उसको मिक्स कीजिए एंड पुट ऑन द टिप्स, अगेन लीव इट फॉर 15-20 मिनट एंड रिंस इट ऑफ. आपके बाल बहुत प्यारे हो जाएंगे सिल्की सिल्की से. सो एंड ऑयल इट, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक ऑयलिंग इट, न्यूट्रिशियंस विल हेट मी देल से, अरे क्या ओल्ड चीज है बोल दिया ऑयलिंग करने के लिए, बट दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू. चम्पी बेस्ट थिंग टू डू. But does that onion oil wala thing really works? Like it promotes hair growth? Is it for real? I'm trying it. I'm doing it. Yes, but I don't yes. know. Aapki, aapki, hair, gray hair jo problem hota hai, root kai baar gray hairing ho jata hai. So I have this problem since college time. Gray hair ka. So I've been using it, which really helps. And usse hair fall bhi kam ho jata hai. मैंने तो कई बार ओवरनाइट लगा के कोशिश की, अगर अगले दिन शूट नहीं है, अगले दो दिन तक मुझे घर से नहीं निकलना है, बिकॉज उसका स्मेल इतना पंजेंट होता है, इजीली जाता नहीं. बट इट्स हेल्पफुल. लीजा मुझे मुझे पता है, मुझे ऐसा लग नहीं रहता आई एम टॉकिंग टू सेलिब्रिटी, इट जस्ट फील्स लाइक वन ऑफ अस, दैट्स द यू नो दैट्स द थिंग अबाउट अ गुड आर्टिस्ट, यू कैन से अ गुड पर्सन, कि आप उनसे कनेक्ट करते हो तो आपको वैसा वो स्टारडम फील नहीं होता है, यू जस्ट फील लाइक यू आर टॉकिंग टू समवन योर ओन. So I'm really feeling nice talking to you. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग भी, you know, क्योंकि आपको normal चीजें बोल रही हैं, जो normal चीजें हम regular life में करते हैं, तो people feel connected. अच्छा हाँ, मैं भी सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ यार, मैं भी चाय पीती हूँ अदरक वाली, या मैं भी ये सब, it feels very nice. But other than that, if I should say, you know, जैसे आपने कहा कि lockdown है और मम्मी थोड़ा सा दूर रहती हैं और आप यहाँ रहते हैं, तो आपका दिन पूरा दिन कैसे बीतता है, क्या क्या चीजें आप करती हैं, रूटीन कैसा होता है, सुबह उठ के फिर शाम को फिर पूरे दिन? How's your day routine? I'm an early riser. So regardless of whatever time I sleep, I wake up 7:30 and then I meditate for some time. मैं ना बहुत चुलबुली इंसान हूँ, मेरे अंदर धैर्य बहुत कम, तो वो धैर्य लाने के लिए last one year I am practicing meditation. So सुबह उठ के आंख बंद करके ओम की चांटिंग करती हूँ आधा घंटा पौना घंटा, जब तक हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल 15 मिनट कई बार.
सो देन ऑब्वियसली आई हैव माय मॉर्निंग कप ऑफ गर्मा गर्म चाय. चाय पीने के बाद मैं थोड़ा न्यूज देखती हूँ चाय के साथ साथ. न्यूज देखने के बाद थोड़ा अपडेटेड रहना भी जरूरी है क्या हो रहा है. एंड देन आई वर्कआउट जो भी उस दिन मेरा होगा, अपर बॉडी या लोअर बॉडी या स्टेयरकेस या मेरे पास पैसेज है बालकनी में काफी जगह है, सो स्किपिंग कर लिया, योगा कर लिया, कुछ नहीं तो म्यूजिक चालू करके एक घंटा डांस कर लिया विच इज जुम्बा. वो करने के बाद देन हमने बांटा हुआ है, लंच मैं बनाती हूँ तो मेरी मेड डिनर बनाती है, डिनर वो बनाती है. तो कई बार वो लोग फरमाइश करते हैं आपके हाथ का खाना खाना है आज. So, you know, my maids are like my sisters. They are my, they are God gifts to me. So, they're sweethearts. So, I cook sometimes. Then, I sit with my brother because my brother is here. Us bichari ke boards cancel ho gaye, so he's come back home. So, uske saath baith ke watch a movie or something. We talk, we catch up on old things. Aajkal main shayari likhne lagi hoon. College days mein karti thi, school days mein karti thi. वापस बिकॉज टाइम ही टाइम है ना बाबा, टाइम. सो आई एम राइटिंग. दोपहर में दो घंटा एक घंटा लॉक करके देन यू नो आई राइट समथिंग एंड देन शाम को अगेन हो सकता है तो थोड़ा कार्डियो कर लेती हूँ. फिर आप जैसे दोस्तों के साथ बातचीत हो जाती है दिन में दो तीन बार, फ्रेंड्स के साथ बातचीत हो जाती है, मॉम के साथ वीडियो कॉल पे बात हो जाती है. एंड देन इवनिंग आई वॉच अ मूवी और समथिंग एंड आई स्लीप. Right. And I keep doing these activities, na, kabhi cooking, kabhi stitching, so din nikal jata hai. अभी मुझे, क्योंकि मुझे जब हमने पोस्टर डाला था दैट वी आर गोइंग लाइव विद लीजा, तो मुझे दो तीन क्वेश्चंस आते हैं कि पूछो वो पूरा दिन. मुझे किसी एक मेल फैन ने लिखा था, मुझे जानना है वो पूरा दिन क्या करती हूँ, उनका मुझे पूरा डे रूटीन चाहिए. आई वाज लाइक क्यों तुम्हें डे रूटीन की चाहिए, तुम घर जाने वाले हो क्या, आई यू अ गेस्ट. बट अभी वो फैन की शिकायत तो खैर दूर हो गई होगी. बट लीजा इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू, लिटरली आई हैड अ वेरी गुड टाइम. यूजली सेलिब्रिटीज ऐसा बोलते हैं हमें पूछना पड़ता है डिड यू हैड अ गुड टाइम और आपको, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है आई शुड से आई हैड अ गुड टाइम टॉकिंग टू यू एंड यू आर इंडीड अ हैप्पी सोल, सो यू शुड स्टे लाइक दैट फॉरएवर. एंड आई होप इसके बाद यू नो जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पाइपलाइन में है जो बहुत जल्द हमें देखने को मिलेंगी. मेरा एक शो शुरू होगा टीवी पे जो हम शूट करने वाले थे ऑन सब टीवी, उसका शूट शायद इंशाल्लाह जय माता दी शुरू हो जाए जल्द से जल्द. बट मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में लोग इतना रश करें, बिकॉज जो लोअर लेवल में लोग काम करते हैं हमारे स्पॉट डालर, वी डोंट वांट देम टू सफर. सो जब भी सब ठीक होगा, सो वो एक पाइपलाइन में है, दो गानों की शूट है जो हम रिकॉर्ड करके ऑलरेडी रखा हुआ है. वन इज अ पार्टी नंबर, वन इज अ रोमांटिक नंबर. And I was supposed to dub for a sad song also, so shayad wo hoga. Ek aur web series kar rahi hu, ek south ki film hai jo shoot shuru hone wala tha. So these things are in pipeline. So there's a lot in the plate right now. So this time is like wo, you know, bahut sara kaam karne se pehle ka ek jo break hota hai, this is that I think for you. तो ये टाइम आप तो एंजॉय कर ही रहे हैं और आई होप कि ये इंटरव्यू जब बाद में अपलोड होगा तो फैंस भी देखकर एंजॉय करेंगे. थैंक यू सो मच लीजा फॉर टॉकिंग टू अस एंड गिविंग अस योर टाइम. इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू. प्लेजर ऑल माइन. और कल पानीपुरी वाला रेसिपी देखना. यस, पानीपुरी वाला रेसिपी हम देखेंगे और आप वो पूरा का पूरा वीडियो अपलोड कीजिएगा, उसके बाद मैं भी बनाऊंगी एंड आई विल टैग यू देन. डन डन डन. टेक केयर. थैंक यू फॉर टॉकिंग. बाय बाय. गॉड ब्लेस यू. बाय. तो थोड़ा ऊपर नीचे है बट या. सो गाइज ये थी लीजा मलिक जो कि बहुत ही एक हैप्पी सोल है, वो आपने देख ही लिया और आई होप ये कॉन्वर्सेशन आपने एंजॉय किया होगा. बहुत सारी जनरल इन जनरल बातें हमने की घर के बारे में, खाने के बारे में, ब्ला 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 ब्ला, और ये सब कुछ आपको मिल सकता है मूवीज अड्डा के यूट्यूब पेज पर. और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मूवीज अड्डा का जो इंस्टाग्राम पेज है उसको जाइए फॉलो कीजिए और इसी तरह का इंटरव्यूज में और लाती रहूंगी. बिग बॉस अगर आपने देखा है तो सोमी खान बिग बॉस सीजन 12 से सोमी खान का इंटरव्यू बस अभी कुछ ही देर में मैं आपके पास वापस लेके आ रही हूँ, तो स्टे ट्यून्ड. वापस उस लाइव में भी आपको ज्वाइन करना है. दिस इज ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ.